हेलो गाइस, हमको बहुत ही वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपना डेली रूटीन के बारे में बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे मेरा डॉटर के साथ पूरा दिन निकल जाता है। सो आइए लेट्स गेट स्टार्ट। तो अभी मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं, तो अभी मैं सबसे पहले, अगर मेरी डॉटर उठ चुकी है तो मैं इसका मालिश करूँगी। मैं दिन भर में 3 बार मालिश करती हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो अब इसकी मैं मालिश स्टार्ट करूँगी और फिर उसके बाद बाकी का घर का काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि इसकी मालिश हो जाती है तो इसको रिलैक्स मिलता है, फिर ये ज़्यादा तंग नहीं करती। तो उसके बाद थोड़ा फीड करती है, उसके बाद फिर सो जाएगी। तब तक मैं अपना घर का सारा काम फिनिश कर लूँगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को आज जाना है कहीं पे 3 मंथ के लिए। सो हम लोग लुधियाना में भी सेटल है, वो 3 मंथ के लिए कहीं जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन। तो उसके बाद मैं और मेरी डॉटर और हस्बैंड ही रहते हैं, तो अभी हम दोनों ही बच जाएंगे। तो उसके बाद मैं भी 2 या फिर 3 जून को यहाँ से चली जाऊँगी ब्रदर इन लॉ के साथ मुंगेर। मेरी सारी फैमिली जो इन लॉज है वो सब मुंगेर में सेटल हैं। तो फिर मैं तब तक 3 मंथ यहाँ पे अकेले रह के क्या करना, वहाँ पे रहूँगी। फिर मुझे सारी पैकिंग वगैरह जो भी है सब कुछ मुझे करना है। तो फिर उनके लिए खाना वगैरह सब कुछ बना के देना है। तो आइए वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अभी मिलती हूँ मैं कुछ देर बाद। तो हेलो गाइस, अभी 7:45 हो रही है, मेरी डॉक्टर सो चुकी है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर देती हूँ, नहीं तो उठ जाएगी तो वो फिर मुझे कुछ नहीं करने देगी। तो आइए मैं अपना जो भी काम है वो स्टार्ट करती हूँ। मैं अपना स्टार्ट करूँगी किचन से, किचन क्लीन करना है एंड बर्तन धोना है। पहले मैं वो फिनिश करूँगी, उसके बाद बाकी का काम। तो मेरा बर्तन धो चुका है, मैं किचन की जल्दी 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 सफाई कर देती हूँ। तो मैंने किचन का काम अपना फिनिश कर लिया है। ये देखिए मेरी बेबी को कैसे सोई है। इसको मैं कितना भी सीधा सुला लूँ बट ये ऐसे सोई है, कितना भी कर लूँ तो अभी मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा काम है। तो मैं अभी अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लूँ, फिर इसको देखूँगी। तो गाइज़ मैं अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश करके फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइज़ अब मेरा सारा काम लगभग फिनिश हो गया, अब बस मुझे बात लेना है। उसके बाद फिर बात लेने के बाद उसके बाद फिर तब तक मेरी डॉटर उठ जाएगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, लगभग मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, सब कुछ, पूजा वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ। अब मैं समृद्धि को उठाऊंगी, उसके बाद फिर उसको मालिश करके, उसके नहला के उसका बेबी फूड बनाऊंगी, फिर उसको खिलाऊंगी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को जाना है आज, मतलब उनकी ट्रेन है 5:00, तो उनको निकलना है। तो उनकी भी पैकिंग वगैरह हर चीज़ करनी है, तो उनके लिए खाना बना के देना है। तो फिर उसके लिए अभी मैं उनकी पैकिंग करूँगी पहले, उसके बाद फिर और फिर लंच की तैयारी करूँगी, फिर उनको जो रास्ते में लेके जाना हो उसकी तैयारी करूँगी। सो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस मेरी पैकिंग हो गई है, अब थोड़ी बहुत बाकी है, जो एक्स्ट्रा छोटे मोटे सामान है वो रखने हैं, बाकी की पैकेट डन ही हो गई है। तो लगभग पैकिंग हो गई है, अब मैं जाऊँगी लंच की तैयारी करूँगी। लंच की तैयारी करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मेरी बेबी उठ चुकी है, तो अब ये इसको भूख लगी है तो इसीलिए अभी रोएगी। तो अब मैं जा रही हूँ बेबी फूड बनाने। मेरा बेबी फूड तैयार हो गया है, तो अब मैं इसको खिलाऊंगी, उसके बाद फिर उसको बाथ करवाऊंगी। तो गाइस मैंने समृद्धि की एक बार और मालिश कर दी है, अब मैं इसको इसका बेबी फूड खिलाऊंगी, देन उसके बाद फिर इसको नहलाऊंगी। तो चलो 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 खाना खाने, खाना खाने। तो मेरा बेबी रेडी है बेबी फूड खाने के लिए। सो आजा 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 आजा, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, यम्मी। मेरी बेटू नहाई नहीं करेगी, तो अब मैं इसको जा रही हूँ नहलाने। तो अब ये इसका बाथ का टाइम हो गया है, नहा लो जल्दी 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 जल्दी। तो गाइस समृद्धि ने कपड़े भी पहन लिए, अब इसको नींद आ रही है। तो अब दोपहर के 1:30 हो रहे हैं, तो अब हम लोग शाम को मिलते हैं। ओके बाय। अब शाम के 4 बज चुके हैं, अब मैं थोड़ा खाना बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को 5:00 निकलना है, उनकी ट्रेन है
7 o'clock की, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ से स्टेशन जाने में 1.5 घंटा लग जाता है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी उनके लिए खाना रेडी कर रही हूँ। तो मैं अभी प्याज काट रही हूँ, तो प्याज काटने से सबको पता है आँख से पानी आता है, तो इसीलिए मेरे आँख से पानी आ रहा है। तो मैं रास्ते के लिए बना रही हूँ पूरी आलू की सब्जी, और एक हमारे यहाँ बिहार में फेमस है, जो बिहार के रहने वाले उनको ज़रूर पता होगा, लिट्टी। तो मैं लिट्टी भी बनाने जा रही हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अभी खाना बना के फिर आप लोगों से बात करूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू भी कट कर लिया है, टमाटर कट कर लिया, अब मैं प्याज से तड़का लगा रही हूँ। तो अब मैं जल्दी जल्दी से खाना रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी 4:15 हो रहा है, अभी मेरा खाना ऑलमोस्ट डन ही है, लेकिन थोड़ा बाकी है। तो फिर तब तक मैं आके रूम में बैठी हूँ, सब्जी बन रही है, उसके बाद मैं आगे की तैयारी करूँगी। ये समृद्धि अपने पापा के साथ खेल रही है, एक्चुअली ये भी बहुत मिस करेगी, पापा चले जाएंगे 3 मंथ के लिए, तो ये भी बहुत मिस करने वाली है अपने पापा को, तो इसलिए अपने पापा को टाइम दे रही है पूरा, उसको उनका नाक मुंह हाथ पूरा नोच के। ऐसे मिस तो हम लोग भी करेंगे। कितने बजे निकलना है? बस ज़्यादा देर नहीं है, और 1.5 घंटे, 5 बजे निकल जाएंगे। तो फिर अभी इस ब्लॉग को यहीं पे रोकते हैं, आगे मैं और स्टार्ट करूँगी थोड़ी देर बाद खाना पैक करके। बाकी मैंने सब कुछ रख लिया, आपको बस एक अपना सू रखना है। अभी ये अपने बुक्स रखेंगे, अभी बाकी मैंने सब कुछ तैयारी कर दिया, अब ये अपना बुक्स रख के। शॉपनर डिगो उसके अंदर ही होगा, बाकी मैं आपका देखो बोलो हेलो हेलो। ले आओ बेटू, जाओ ले आओ टेडी बियर अपना, गो 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 गो। लगता है ये आप ही लेके जा रहे हो बैग में ना। ये पापा को पिल्लो रखना है, बट ये रखने नहीं दे रही है, इसको लग रहा है इसके साथ खेल रहे हैं पापा, एकदम जोरों से पकड़ा हुआ है इसने और स्माइल भी कर रही है। दे दो पापा को बेटू, रखेंगे ना पापा, नहीं दोगी? पापा को भेजने का मन नहीं है, ले लिया आखिर पापा ने। इधर पापा थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से हो नहीं पाए, लेकिन अभी होंगे। छोड़ बिटू। तो मैं किचन में आ गई खाना पैक करने, तो मैं खाना पैक कर रही हूँ, ये आलू की सब्जी, ये लिट्टी और ये पूरियाँ। खाना पैक हो गया, साथ में मैंने चाय भी बना ली है। अब मेरे हस्बैंड को निकलना है, तो वो चाय पे निकलेंगे, उनकी चाय फेवरेट है, चाय से उनको कोई दूर नहीं कर सकता, चाय के वो बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इसलिए मैं उनको चाय दे रही हूँ। तो अभी तक के लिए वीडियो में अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, आगे जल्दी मिलते हैं। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मस्ती करने के मूड में। तो अब मेरे हस्बैंड का निकलने का टाइम हो गया, अब वो निकल रहे हैं, उनका सामान बाहर है। तो अब मैं इनको दही चीनी खिला रही हूँ, हमारे यहाँ कोई भी बाहर जाता है तो दही चीनी खिलाते हैं 3 बार, शुभ माना जाता है। 3 बार? अच्छा, 3 बार, 3 या 4 बार। पापा जा रहे बिट्टू, बाय बाय कर दो पापा, पापा को बाय 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 कर दो। जा रहे हो? चलता है तो ये पानी दिखाया जाता है बाहर निकलने पे, वो बहुत ही शुभ होता है पानी। बाय बाय बिट्टू, बोल दो पापा जा रहे हैं। पापा गए बेटू, बाय बाय। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ, क्योंकि अब मूड थोड़ा सा सैड हो गया है, ये चले गए तो अब ये घर भी अच्छा नहीं लगेगा, घर के अंदर भी।
अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मेरी आगे का जो भी ब्लॉग वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, बाय बाय।